डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। सबका स्वागत है आज डिफेंस एग्जाम मास्टरी के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में, जिसमें हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। और आज मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट रहेंगे मेजर समर तूर सर। मेजर समर तूर सर हैज़ बीन अ शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर फ्रॉम ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। और समर सर इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर टू मी, ऑलवेज अ पर्सन हु इज जस्ट अ कॉल अवे, और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने का काम करते हैं। मेरे लिए सर बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा हमारे लिए रेडी रहते हैं। आज ये सेशन करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि आज बहुत मन दुखी है मेरा भी। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हर जगह नेगेटिविटी है, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड अग्निपथ स्कीम की वजह से। तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में आज बात करी जाए, बहुत अच्छे से बात करी जाए और किसी ऐसे बंदे के साथ बात करी जाए जो कि ऑलरेडी उस जोन में रहा है और उसको चीज़ों का आइडिया है। तो मैं चाहूँगा आप शेयर कर दो इस सेशन को। सर विल बी ज्वाइनिंग इन अ वाइल, सर ज्वाइन कर रहे हैं अभी। प्लीज़ बच्चों इसको सेशन को शेयर कर दो, जो जो तुम्हारे आसपास में जो भी बच्चे फौज के एस्पिरेंट हैं सबके साथ शेयर करो। मैं चाहता हूँ सब बच्चे इसको देखें, इसके बाद तुम इसको शेयर कर देना। ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस विल गो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो हम्बल रिक्वेस्ट, एक हाथ जोड़ के सबसे कि इसको सेशन को शेयर कर देना, किसी ऐसे बच्चे तक जरूर पहुँचा देना जिसकी हिम्मत टूट गई है, जो बिल्कुल बेचारा हताश निराश हो चुका है। हिम्मत हारने का काम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी बैच के बच्चे हैं या फिर अंकुश है, बाकी सारे जो भी लोग हैं, सबको मैं बोलूँगा प्लीज़ शेयर कर दो यार सेशन को। और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक इसकी रीच होनी चाहिए, आप अपनी स्टोरीज पे लगा सकते हैं ताकि सब सर को सुन पाएँ। और एक जस्ट ओपिनियन आएगा यार सबके लिए ना, इट विल बी अ वेरी गुड ओपिनियन। आई विल टेल यू, एक इतना अच्छा सेशन होने वाला है कि आपने शायद सोचा नहीं होगा कि हाँ कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकती है अग्निपथ वाली स्कीम, और अगर नहीं तो हम इसको कैसे, इसमें क्या चेंजेस वगैरह रिक्वायर्ड है। इस तरीके से अगर आप सोचने लगोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ एज अ एक शुभचिंतक होने के नाते या आपका बड़ा भाई होने के नाते, मैं आपको यही बोलूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी होती, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। होता है, हमारे साथ भी हुआ था, मैं भी लाइफ में कई बार फेल हुआ, मैं भी रिजेक्टेड हुआ, मैं भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हिम्मत टूटना लाजमी है। और एक बहुत बुरा फीलिंग आता है, हम लोग SSB एस्पिरेंट थे, हम रिजेक्ट हो जाते थे तो फिर वापस आके पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, पूरी मेहनत बेकार हो जाती थी, वी वर्क बैक टू ग्राउंड जीरो। तो मैं तुम्हारे वाले दौर में रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ तुम्हारा जो दुख तकलीफ है, जो तुम्हारा पेन है, ठीक है। तो मैं वो पेन तुम्हारी जगह रख के खुद को महसूस कर पा रहा हूँ कि क्या तुम लोग सब फील कर रहे हो। और इसीलिए मैंने आज सर को कॉल किया, मैं परेशान था, सर ने बोला कि ठीक है भाई इसको करते हैं हम बच्चों के लिए। और सर हैज़ ज्वाइन, जय हिंद सर, वेलकम टू द सेशन सर। सर मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप, मैंने सर को रिक्वेस्ट भेज दी है, मेजर समर तूर सर बस हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, सर इज लाइव। जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवम, हाउ आर यू सर? आपकी आवाज थोड़ी सी हो रही है, कम आ रही है, काफी कम आ रही है अब। हेलो, अभी भी इशू आ रहा है सर, आई थिंक ये हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे यार, मैं पुराने जमाने का हूं ना थोड़ा। हेलो, ऑडिबल हूं? इसको हटा दीजिए सर, इसको हटा के ट्राई कर लेते हैं, एक सेकंड। अब आवाज आ रही है सर? कैन यू रीजॉइन वंस अगेन? आई थिंक कुछ वैसा इंटरनेट का इशू है, मैं रीजॉइन करता हूं। हां सर, ये सोचो देर इज अ वॉइस एरर। मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको सेशन को शेयर करो, दबा के शेयर करो यार इसको, इसकी रीच इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हर उस बच्चे तक पहुंचे जो गांव में बैठा है, जो शहर में बैठा है या कहीं भी बैठा है। मैं चाहता हूं कि इसको शेयर करो। सर को मैं दोबारा से रीजॉइन हो रहे हैं सर, एक बार मैं चाहता हूं क्लियर कट वॉइस आए, क्योंकि ये सेशन लाखों बच्चे देखने वाले हैं, करोड़ों बच्चों तक पहुंचेगा। इसको शेयर कर दो, अपना इंटरनेट फिक्स रखो, आने वाले एक घंटे में तुम्हें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ पे तुम्हारे बड़े भाई की तरह खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, बैक में समर सर हैं, है हूँ, हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में ही हैं। ऐसा मत सोचना कि हम अगर इसके सपोर्ट में जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, क्या तुम्हारा फायदा हो सकता है इस चीज़ में, क्या नुकसान हो सकता है, सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सर ने रीज्वाइन कर लिया है, सर मैं आपके साथ वापस से लाइव रिक्वेस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। यस सर, विल कम लाइव
अगेन विद मी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड बच्चों. और वी विल बी हैविंग मेजर समर तूर सर, जो यूएन में सर्व करा है सर ने, और सर के नाम पे साउथ सूडान में देर इज अ पोस्ट कॉल्ड तूर पोस्ट. आप हमारे अदर इंटरव्यू सीरीज की वीडियोस को चेकआउट करो, समर सर की बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो है डिफेंस एग्जाम मास्टरी के चैनल पे, लिंक आपको प्रोफाइल बायो में मिल जाएगा. हिम्मत जहाँ पे टूटने लगे आप एक बार मेरे से बात कर लेना, ठीक है? मेरा नंबर पेज पे कहीं भी आपको मिल जाएगा. ओके, लेट मी गो लाइव अगेन. जी हाँ, सर. अच्छा ये बोल भी रहा हूँ। हाय शिवम, कैन यू हियर मी? हाय सर, आवाज थोड़ी सी वैसे ही आ रही है, बट स्टिल वी विल मेक इट वर्क सर, नॉट अ प्रॉब्लम. एम आई ऑडिबल? हाय सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर ऑडिबल सर. ओके। हाँ शिवम, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा कम है सर वॉइस, बस आप थोड़ा सा एक बार वो चेक कर लो. बच्चे बोल रहे हैं सर इज एन इंस्पिरेशन. हाँ सर इज एन इंस्पिरेशन हमेशा से हमारे आई लिए, एम एन तुम्हारे लिए. इंस्पिरेशन, बट इंस्पिरेशन कम्स टू वेज, नॉट वन वे। तो आपने मुझे इंस्पायर करना है ना, यस सर, मुद्दा मुद्दा खराब नहीं होना चाहिए। यस सर, ठीक मेरी है सर. मेरी इज माई ऑडियो फाइन या प्रॉब्लम है? ऑडियो ऑडियो थोड़ा सा, इट इज लाइक गोइंग बैक मेरी कमिंग अच्छा, अगेन. मैं ईयरफोन चेंज करके देखता हूँ एक बार। हाँ सर, आप अभी आप ईयरफोन चेंज कर लीजिए, इट विल वर्क सर. बच्चों प्लीज होल्ड ऑन और सेशन को शेयर कर दो इतनी देर में सर का ये हम अब एक. वैसे अब सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा है सर आवाज. अभी आई थिंक कुछ फोन का इशू हो सकता है आपकी तरफ से, नहीं, बट फोन एनी का हाउ नहीं वी है, विल. इंटरनेट इश्यू है। देर इज सम इश्यू विद द इंटरनेट हियर। ओके सर, मैं नॉट नॉट अ प्रॉब्लम सर, हम ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है. बच्चों प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, एको इज हैपनिंग, आई नो एको हैपनिंग, बट डोंट वरी हम इसको फिक्स कर रहे हैं. ये कौन बोल रहा है? बेटा ऐसी चीजें नहीं करनी है, ट्रेन नहीं जलानी है, कुछ भी नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है आपको, अपना भी और देश का भी, ठीक है? ट्रेन व्रेन नहीं जलानी है यार, थोड़ा सा सोच समझ के आपको बोलना है. आई थिंक सर रिज्वाइन करेंगे, सर का इंटरनेट इज लॉट ऑफ बग इज हैपनिंग, ठीक है? तो डोंट वरी, और अपने ना क्वेश्चंस को रेडी रखो. यहाँ पे शिवांशु है, मैं अपने बच्चों को बोलूंगा शिवांशु एक बार सेशन शेयर कर दे भाई बाकी बच्चों के साथ, जो भी तुम्हारे आसपास में बच्चे हैं. एनसीसी बॉय कमलेश यादव, टीओडी नहीं चाहिए, टीओडी नहीं चाहिए भाई, ठीक है? बिल्कुल तुम्हारी मांगे सुनी जाएंगी, डोंट वरी, पेशेंस मत लूज करो, थोड़ा मेरे भाई हिम्मत बना के रख, ठीक है? इतना टेंशन ही में नहीं आते, हम लोग साथ में हैं आपके, कुछ ना कुछ इसका हम रास्ता जरूर निकालेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं आना है आपको. ओके, लेट मी सी इफ सर हैज ज्वाइंड अगेन. थोड़ा सा आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो कॉपरेट आप लोगों को भी करना पड़ेगा, सेशन को शेयर कर दो. सर ज्यादा बोलेंगे आज, सर का ही ओपिनियन ज्यादा मैटर करेगा. और मैं ये चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से कि तुम्हारे जो डाउट्स है ना, ये सारी चीजें हम दूर कर पाए. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. सर इज कमिंग लाइव अगेन. अग्निपथ योजना वापस लो. हाँ बेटा, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, टेंशन में मत आ, सारी चीजों का सलूशन मिलेगा. यस सर, एम आई ऑडिबल टू यू? या शिवम, हाँ सर, कोई बात नहीं, वी विल मेक इट वर्क. अभी जैसा भी है सर, करना तो है ही. तो सर जैसे कि ये बच्चे काफी ज्यादा ना, अभी मैं देख रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा गुस्सा है सर बच्चों के बीच में, सर इतना गुस्सा है सर कि समझ नहीं आ रहा है. बहुत सारे बच्चों ने, आप देख रहे होगे सुबह से मैंने स्टोरी लगाई, आप भी देख रहे हो, आप भी मेरे को सुबह से, आपने भी काफी सारे मैसेजेस फॉरवर्ड किए, मैंने आपको किए. तो सर एक ना बड़ा ना डिप्रेसिंग सा ना बड़ा गंदा माहौल क्रिएट हो गया है देश के अंदर एस्पिरेंट्स के बीच में, स्पेशली जो जो डिफेंस वाले बच्चे हैं सर. सर यार इस बारे पहली में चीज, आपको क्या मैं करना है? आई जस्ट गेट ऑन टू इट। मैं शुरुआत में तो यही बोलना चाहूंगा, पहली चीज तो मेरे इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा है, आई डोंट नो सिंस टुडे मॉर्निंग, ठीक है। एंड ओके सर. टू बिगिन विद, पहली चीज तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है अग्निवीर, इसके अंदर आपका आपको पहले साल में यू विल गेट 2,52,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स। बेसिकली आपको हर एक महीने 21,000 रुपये मिलेगा पहले साल।
ये उसके सब बाद सेकेंड ईयर में यू विल जी गेट 23,100 रुपये, सर ठीक है, तो आपको 2,100 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। देन थर्ड ईयर यू विल गेट 25,580 रुपीज पर मंथ, एंड योर लास्ट दैट यू विल गेट विल बी इन योर फोर्थ ईयर विल बी 28,000 पर मंथ। तो आप ये लेके चलो कि आपको कुल मिलाकर 11,72,160 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और फोर्थ ईयर में आपको रिटायरमेंट के टाइम जो आपने 4 साल में टोटल अमाउंट कमाया है उतना ही यस सर टोटल अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो 24 से 25 मतलब बिटवीन 17 to 24 years ऑफ एज में अगर आप आर्मी से निकलते हो लगभग 25 लाख रुपए इकट्ठा करके, तो इसमें कोई बुरी चीज तो मैं देख नहीं रहा हूं, कोई बुरी चीज नहीं है इसमें। बल्कि अब ये है कि आपके पास बेहतर एवेन्यूज और ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अपनी इंग्लिश बेहतर कीजिए, आप ये अग्निवीर प्रोजेक्ट में हिस्सा लीजिए, ठीक है, यू सर्व द नेशन, आप वेपन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप अनआर्म्ड कॉम्बैट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आप स्नाइपर कोर्स कर सकते हो, ठीक है, इन विच एवर यू आर डूइंग वेल यू विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद 4 साल के बाद यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इवन गो अब्रॉड। आप अपनी अंग्रेजी सही कर लीजिए, ठीक है, एंड इन द कमिंग फ्यूचर जैसे यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है एंड हाउ दे वर डिमांडिंग मर्सनरीज कि हमें फाइटिंग यस फोर्स चाहिए, ठीक सर है, तो अगर यही ट्रेंड फोर्स अगर 4 साल के बाद अगर इनकी कहीं यूटिलिटी नहीं हो पा रही है, देन दिस यूथ हैज इट्स ओन चॉइसेस टू मेक। अगर ये बाहर अब्रॉड जाना चाहते दे आर केपेबल, क्योंकि इनपे एक वो दे आर ट्रेंड ट्रूप्स, आप फ्रेंच फॉरेन लीजन की भी चॉइस है इसके बाद, ठीक है, यू जस्ट नीड टू डू योर इंग्लिश वेल, ठीक है, आप इंग्लिश अच्छे से सीखिए। अब ज्यादा फोकस होना चाहिए इंग्लिश पे, जो भी जवान की भर्ती के लिए जाना चाहता है आप इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो। इंग्लिश के फोकस करने के बाद आप ये 4 साल आप नौकरी में लगाइए, जो 75% एक्सेप्ट नहीं हो पाता है आर्मी में वो बाहर सिविल में आके आपके पास खड़े पैर आपके पास 11.5 लाख रुपए तो होंगे ही होंगे। आप किसी फॉरेन कंट्री में भी तो जाके आप काम ढूंढ सकते हैं, जो कि यस अभी तक नहीं था। तो अगर किसी कोई इतना, और एक और चीज, गुस्सा जायज है, मैं ये नहीं बोल रहा गुस्सा जायज नहीं है, बट गुस्सा जायज होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लग जाओ, क्योंकि जो लोग यूथ को उकसा रहे हैं वो तो ओवर एज है, काफी बच्चे मैंने देखे दे आर अबव देयर एज लिमिट। नंबर दो, कोई वीडियोस आपकी बना रहा है ये रायट्स करते हुए, खुदा ना खास्ता अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ये 4 साल के दौरान आप वो 25% में भी आ जाते हो, ठीक है, उसके बाद किसी ने आपका पुराना चिट्ठा बाहर निकाल दिया कि ये तो राइटिंग में इन्वॉल्व था, इसके अगेंस्ट तो एफआईआर था, तो आपकी तो नौकरी वैसे ही हाथ से चली गई। तो मैं यूथ को वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डोंट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स, नंबर वन। नंबर टू, अगर इतना ही जोश जज्बा और जनून है ना और गुस्सा है, वो गुस्से को आप मेहनत में बदलो यार, कन्वर्ट इट इनटू मेहनत। और कौन कह रहा है कि आर्मी ही एक इकलौती एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब प्रोवाइड कर रही है, सीएपीएफ है और भी अदर बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिसमें एज ग्रुप का रिलैक्सेशन है, यू कैन ज्वाइन दैट, यस सर दैट इज मोर प्रैक्टिकल। यस बट सर यू नो गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट सर दिस इज नॉट डन, आई विल कमिट सुसाइड, वो तो फिर आपने वैसे ही साइकोलॉजिकली गेम को गिव अप कर ही दिया है।
फाइटिंग फोर्स वुड नेवर वॉन्ट अ पर्सन विद अ मेंटेलिटी ऑफ अ मॉब हु कैन यू नो गिव राइज टू म्यूटनी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर. यस एग्जैक्टली सर. ठीक है, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं आपको साइकोलॉजिकली वैसे ही फेल कर देंगे. ठीक है, सो प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी सच एक्टिविटी जहां पे प्रॉब्लम आए. नंबर वन. नंबर टू, प्लीज प्लीज लिसन टू ओनली दोज वेटरन्स हु हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. जिनका नेगेटिव माइंडसेट वाले भी बहुत हैं, उकसाने वाले भी बहुत हैं, आपको नेगेटिव पिक्चर दिखाने वाले भी बहुत हैं, पर आपको प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने वाले बहुत ही चुनिंदा मिलेंगे और उनमें से शायद मैं एक हूं जो कह सकता हूं कि मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं. शर्त यह है कि आप रास्ता फॉलो करो. गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज नो सोल्यूशन. आपको क्या लग रहा है ये थॉट प्रोसेस, डीप थॉट प्रोसेस दिया गया है, क्योंकि आज की तारीख में वॉर की वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है दैट टुमारो इफ चाइना विशेस टू गो टू वॉर विद इंडिया हमारे पास खड़े पैर ट्रूप्स नहीं होंगे. सो वी आर बेसिकली द इंडियन गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ वॉर मशीन, अ फाइटिंग रिजर्व, so that in an emergency in the coming future khade pair hame agar volunteers chahiye to fight the war we will have readily trained troops. and as far as main to kehta hu overall quality of troops will become better because dekhiye retirement wale to jaate rahenge ab. theek hai, from now onwards whoever gets enrolled wo sab 4 saal wale hi lagu hain. theek hai. एंड एक और चीज, द पॉलिसी कैन नॉट गेट रिपील्ड. ठीक है, एंड देखिए पॉलिसी एक बार बन जाती है ना तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है बट वो रद्द नहीं हो सकती है. मैंने एक ही पॉलिसी देखी आज तक, फार्मर के बिल्स विच द गवर्नमेंट हैज टेकन बैक. अदरवाइज आई हैव नेवर सीन एनी अदर पॉलिसी और एनीथिंग रोलिंग बैक. सर एक चीज आ रही है, एनसीसी का किसी ने सवाल किया था सर, एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये जो 4 साल वाले बच्चे हैं ना अगर कल को वॉर होता है तो टीओडी वाले वॉर में कैसे काम करेंगे. सर मैंने कौटिल्य का एक स्टेटमेंट लगाया था कि जो ट्रेजरी होती है देश की, ट्रेजरी की रक्षा करना सैनिक का काम है और ये वॉलंटरी एक स्टेप होता है कि आप वॉलंटरी जा रहे हो, आप उसको एज अ पैसे कमाने का माध्यम ना समझे. मैंने किसी बच्चे का सर ऐसा भी कमेंट देखा कि 11 लाख मिलेंगे, 11 लाख में तो थार भी नहीं आएगी. सर इनकी मानसिकता ये, मतलब ये एक बहुत फनी सा हो गया कि ये चाहते हैं कि हम फौज में जाएं, हम पैसा कमाएं, पैसा कमा के हम अपनी जो भी हमारी वो है वैसी सारी चीजें फिजिकल एस्पेक्ट उसको पूरा करें. और सर गवर्नमेंट के खिलाफ तो इतने ज्यादा एंटी एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज दे आर डूइंग. यार मैं सुबह से कम 80 बच्चों का आंसर कर चुका हूँ सर, स्टिल द मैसेजेस आर कमिंग. मैं आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग. नंबर वन, the government has tremendous pressure and load on it for the pension part. It cannot afford to keep, because dekhiye pension badhega, graph will only go up, it will not go down. To ya to aap pensions baant lo ya to aap sophisticated weapons or young manpower le aao. To yahan pe paise bachao aur desh ko bhi bachao, ye dono cheeze chal rahi hain. ठीक है, एंड मोर ओवर यू नो सोसाइटी विल बी बेटर, इट विल बी सेफ, दे विल बी मोर लर्नड मैन, वोकेशनली वेल ट्रेन्ड. ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी टू बिकम वेरी सेल्फिश, इट इज वेरी इजी टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज वेरी इजी फॉर समबडी टू से सर यू आर टॉकिंग क्रैप, सर यू आर नॉट मेकिंग सेंस. फर्स्टली इफ यू आर ज्वाइनिंग द आर्मी प्लीज डोंट गेट मनी इन माइंड सर, प्लीज इस पे ना समर सर. हाँ. इस पे ना मैं चाहता हूँ ना इस पे आप एक चीज ना क्लेरिफाई करो, क्योंकि पता है क्या है, एक ना बड़ा मेरे को ना हंसी वाली चीज है, आप हंसोगे चीज पे
एक लड़के का मैसेज आता है रात को कि सर बहुत सारे लड़कों की ना जो मेरिट लिस्ट आई थी ना उनका सिलेक्शन हो रहा था, उसके बेसिस पे शादी फिक्स हो गई सर, उनकी शादी तोड़ दी। मैंने कहा यार तुम ये क्या, मैंने कहा क्या तुम ये फालतू की वाहियात बात कर रहे हो यार, तुम इतने वर्थलेस हो गए कि तुम एक नौकरी के बेसिस पे तुम्हारी शादी होगी या नहीं होगी, मतलब तुम जीवन में और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो ना सर। पहली चीज तो शिवम, आई वुड जस्ट लाइक टू एड्रेस टुडेज यूथ जो विच हैज अ माइंडसेट की वी नो मोर देन एनीवन एल्स। यस, तो ये जितनी भी जनता है हु नोज मोर देन एनीवन एल्स, पहली चीज तो फर्स्ट बिगिन टू रन 5 किलोमीटर्स विद इन 22 मिनट्स, उसके बाद आगे की बात होगी। नंबर वन, ठीक है, मतलब इधर लोग वो शोर मचा रहे हैं जिनका फिजिकल्स भी जीरो है, yes. जो ओवर एज हो चुके हैं, वो मतलब दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। हाँ सर, ये आई फील बैड टू से दिस, बट प्लीज बी मैच्योर इनफ कि जिनकी प्रायोरिटी फॉर ज्वाइन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी इज, उसे पता होगा कि भाई मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, तो मैं वो 25% में भी शामिल हो जाऊंगा। यस यस, आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग टू दोज पीपल इतने रुपए में थार नहीं आएगी, शादी का रिश्ता टूट गया, इज्जत डाउन हो गई, सोसाइटी में कोई पूछ नहीं रहा है। भाई पहले मुकाम हासिल तो करो, पहले फौज में आओ तो सही यार, बाद में पॉलिसी अच्छी है बुरी की बात करो ना यार। एंड आर्मी इज, आर्मी की नौकरी इज नॉट अ नौकरी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू एवरीबडी यार, प्लीज डोंट कंपेयर दिस वे ऑफ लाइफ एज अ नौकरी। ये मतलब डोंट मेक इट इनटू अ कंपैरिजन ऑफ मनी, यहाँ पे देश की बात हो रही है। एंड हियर नाउ आर द पीपल हुम, जिनका पता चलेगा जो एक्चुअली पेट्रियोटिक है, क्योंकि अ पेट्रियोटिक पर्सन डज नॉट हैव कंडीशंस, वो शर्तें नहीं रखेगा, वो दो बार नहीं सोचेगा ज्वाइन करने के लिए। और 4 साल की लाइफ, तुम्हें कल का तो पता नहीं कि तुम उठ के भागने वाले हो या नहीं 5 किलोमीटर, तुम 4 साल आगे की बात कर रहे हो। सो यू नो आई वॉन्ट टू टॉक टू मेन हु आर मीनिंग बिजनेस हियर, एंड टू लेडीज ऑफ सब्सटेंस हु आर रेडी टू मूव इन एंड ज्वाइन द फोर्सेस irrespective of the policies put in place. Now, yes, if sir. I will not name the general sahab, but if they are negative, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम यार रात को पंखे पे लटक जाओगे यार। Are you that mentally weak? And ये तो बल्कि आर्मी का काम आसान कर रहे हो कि मतलब जो mentally weak है, those who are easily going to give up, who have that mob mentality of going into a mutiny, bagawat kar denge and all, ye sare chahiye hi nahi fauj ko. Aap to officer the sir, aapko zyada behtar se pata hoga, because you was very young officer. Main to wahi keh raha hu na ki jo process hai wo to inhone pehle hi easy kar diya army ke liye plus or minus ka, theek hai. So now I would like to take up questions which have relevance and which are logic. यहाँ पे सर एक बच्चा बोल रहा है कि सर ऑफिसर्स को जॉब नहीं मिलती शॉर्ट सर्विस वालों को, तो जवानों का क्या होगा जो 4 साल के, जो एसएससी वाले, आप जैसे आप भी ओटीए से थे, यू आर नाउ वेल सेटल्ड इन कॉर्पोरेट सर, आपको भी संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा जब आप कॉर्पोरेट में जॉब देख रहे थे, तो बाकी लोगों का क्या होगा, इन 4 साल वाले जवानों का क्या होगा? ये मेंटालिटी छोड़ दो कि अफसरों को नौकरी मिल रही तो जवानों का क्या होगा, ऐसे तो वही बात होगी कि आपके पड़ोसी के पास मर्सिडीज आ गई और तुम्हारे पास नहीं आई तो तुम्हारा क्या होगा। यू टू वर्क हार्ड फॉर इट यार, सिंपल फंडा है। कोई मेजर टूर के पास थोड़ा ना ट्रे लेके आएगा, सर आप आर्मी से रिटायर हुए हो, यू कम एंड ज्वाइन अस और हम आपका पैकेज 40 लाख रख ले। नोबडी इज गोइंग टू डू दैट until unless you are capable of doing it. You have to earn, you have to fight your way out. Aur yahan pe to we are making you compatible people.
army is going to train you to be more compatible in public, in civil. तो आपको और चाहिए क्या? आपको proper training मिल रही है, आपको दुनियादारी के बारे में पता है, you are one मतलब trained person. अब ये कई अंग्रेज हैं जो लिख रहे हैं this decision is bullshit. अब भाई RN2878 जो भी तुम हो भाई, if you feel this decision is bullshit then you should just give up यार, फिर चले जाओ ना यार. If you are so busy in criticizing then just leave it and go walk off. आप मुझे एक बात बताओ, the government is not going to change its policy. So why are you fighting against the system? Become a part of the system and then help the system develop in a better manner. Uska standard upar lao. Yahan pe sari mantri bane hue hain. Ye samjha, this is bullshit, this is crap, this is nonsense, this is understood yaar. Theek hai, ye ek aur hai, another guy is there abusing. तो देखो ये सी दैट इज द थिंग कि इफ इंडियन आर्मी ऑफिसर इज एड्रेसिंग यू यू नो फ्यू मोरॉन्स लाइक अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन है आई मैं पब्लिसिटी नहीं देना चाहता बट इट इज बेटर दैट यू गाइस सॉर्ट हिम आउट बिकॉज यू नो ये वो तत्व है सोसाइटी के जो आपको उकसा रहे हैं हु वॉन्ट टू क्रिएट अनरेस्ट इन द सोसाइटी सर ये रिगार्ड होता है सर आप मेरे से सीनियर हो और यू आर लाइक अ एल्डर ब्रदर टू मी मैंने कभी आपसे इस तरीके से बात नहीं करी होगी आज तक आप भी जानते हो जिस हिसाब से ये लोग यहाँ पे कमेंट्स में इन लोगों ने तबाही मचा रखी है दे शुड नो फौज में जो है आपको सीनियर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आई फील सैड कि ये लोग जो जैसे गालियां लिख रहे हैं जैसे लिख रहे हैं ना आई थिंक दीस पीपल शुड बी यू नो देयर हैंड शुड बी टाइट बिहाइंड देयर बैक एंड दे शुड बी सेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड यार ये ना ये अपने आप को ऐसा धुरंधर समझते हैं ना दैट ओनली दे हैव द गट्स एंड बॉल्स कि हम ही मर्द है ना तो करके दिखाओ ठीक है अनाप शनाप गालियां बोल के काम नहीं चलते इंडिया में एंड प्लीज डोंट लेट वी रिटायर्ड ऑफिसर्स रिपेंट कि हम इन जैसे डिफॉल्टर्स के लिए हमने अपनी जान निछावर कही और ऑन द लाइन रखी है So see, I am liking it how everybody is countering that specimen. वो नमूना है ना एक सैंपल होता है ना सैंपल तो ऐसे सैंपल बहुत है सोसाइटी में इनके सैंपल बनाओ और इनकी अच्छे से ऐसी तैसी फेरो और इनको इनकी जगह दिखानी चाहिए ठीक है सर ऐसे ऐसे भी लोग हैं ऐसे ऑप्शंस भी हैं सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो सीनियर है काफी उनके पास आप जानते हो कि इन सोशल मीडिया व्हेन यू हैव द फॉलोइंग ऑफ 1-2 लाख बच्चों का तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो और आप उसको मोटिवेट भी कर सकते हो मैंने जो फील किया सर कल परसों से जो मैं फील कर रहा हूँ ना मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स या फिर और भी बहुत हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो हिम्मत डालने का काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फौज से पेंशन भी चाहिए फौज की वजह से ही वो जो कुछ है और उनको फौज के अगेंस्ट ही बोलना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलना है कैन दे टर्न ऑफ देयर पेंशन और इन बच्चों का भला कर देंगे वो कुछ आप बताओ सर सी यार देखो किसी आईएएस ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया था ना दिल्ली में वो कुत्ता घुमाने लेके गए थे ना स्टेडियम में यस सर ज्यादा से ज्यादा तबादला हुआ है नौकरी नहीं गई है सी इट्स अ गवर्नमेंट जॉब ठीक है मैं मानता हूं कि सरकार ने जॉब सिक्योरिटी छीन ली है बहुत बड़ा झटका है ठीक है बट अगर इन्होंने वो डिसीजन ले भी दिया है अब क्या हम आर्मी में कहते हैं ना जब प्लानिंग कर रहे होते हैं ना मिशन के लिए नाउ व्हाट सो व्हाट तो क्या अब क्या तो नाउ यू हैव टू प्लान कि अब ये हो गया तो अब मैंने रास्ता ऐसे बनाना है सर आप ऐसे, इनको कैसे बताओ ऐसे ना जैसे गांव बूढ़े बैठे रहते हैं बातें करते रहेंगे बिना कोई सर पैर पूछ के विदाउट एनी डिसीजन कोई मतलब नहीं है यार व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन ऑल दिस सर इसमें एक चीज और आ रही है एक सवाल आ रहा है बच्चों का कि सर जिन बच्चों का सिलेक्शन तक हो चुका था जैसे एयरफोर्स एक्स वाई का हो रखा था फाइनल बच्चों का सिलेक्शन
और उनका भी कैंसिल होके फिर ये टूर ऑफ ड्यूटी आ गया यानी अग्निपथ आ गया, वो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। मैंने बताया था ना शादी वाला किस्सा, यार देखो वो लोग क्या करेंगे, देयर इज अ सिस्टम ऑफ लॉ इन द कंट्री, यस केस फाइल करो यार, केस फाइल करो, ठीक है। देखो लड़ना है तो फिर तरीके से लड़ो, अगर गुंडागर्दी करनी है देन देयर इज नो पॉइंट यार, फिर तो वो आपका कैरेक्टर ही है नहीं आर्मी में जाने लायक। गुस्सा जायज है, मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा मत करो, गुस्सा जायज है, जो जोश और जुनून है आई अंडरस्टैंड। अगर मैं भी आपकी जगह होता कुड बी 1% की मैं भी बौखलाया हुआ होता एंड आई ऑल्सो वुड हैव जॉइंड द मॉब और समथिंग, ठीक है। बट पीसफुल एजुटेशन करो यार, गाड़ियां तोड़ रहे हो, ट्रेनें जला रहे हो, बसें तोड़ रहे हो, आई मीन अगर ऐसे तोड़ने से पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो मैं तो कहता हूँ करो यार दबा के, पर जब ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है तो फिर आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो और देश का भी कर ही रहे हो यार। आप सबकी मैं फीलिंग समझ रहा हूँ, आप सबका गुस्सा जायज है, मैं ये नहीं बोल रहा दैट यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, इट इज अ लॉजिकल रिएक्शन, जो आपका गुस्सा है बनता है। एक तो कोविड की वजह से 2 साल वेस्ट हुए यूथ के, ठीक है, एज का प्रॉब्लम आ गया, ओवर एज हो गए काफी बच्चे, ठीक है। अब ये नया पॉलिसी आ गया, आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता, मैं क्लियर कर चुका हूं मेरा रिजल्ट पेंडिंग है और ये पॉलिसी आ गई है, आई एम वेरी श्योर द गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल कि जिनका एग्जाम हो गया था उनको तो ये अंदर इंडक्ट करेंगे। द थिंग इज इससे पहले अग्निवीर के जो प्रोग्राम से पहले वालों का जो रिजल्ट है दे शुड बी एलिजिबल फॉर द प्रीवियस पॉलिसी, कि वो अपना 15 साल करें या 20 साल करें वो, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू अप्लाई फ्रॉम द अग्निवीर पॉलिसी यू हैव टू फॉलो विद द न्यू पॉलिसी ना यार। अब लॉकडाउन में एज बढ़ गई आई अंडरस्टैंड, यार टेल मी कितने लोगों ने कोर्ट केस किए हैं यार, हैज एनीबडी एड्रेस दिस इशू लीगली, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज गॉन टू द कोर्ट, यस सर, एंड इंडिया में बातें सब कर सकते हैं ठीक है, बट ऑन ग्राउंड एक्शन तो करो, मेक अ ग्रुप, फाइल पब्लिक लिटिगेशन फाइल कीजिए, PIL फाइल कीजिए, ठीक है। I know yaar that you all are not in favor of tour of duty. I too gave a interview yesterday. Mera link maine dala hua hai meri story mein jaake dekhiye. Please see my interview and please see the points that I have given. I am not in favor of tour of duty. But mere want ya nahi want karne se sarkar thod na apne decision badal degi. To kam se kam तू आर डेस्परेट कि भाई मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए क्योंकि घर चलाना है, फादर मदर को देखना है, फ्यूचर का प्लान करना है, मैंने कोई छोटा बिजनेस शुरू कर देना है, या मैंने टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मैं फॉरेन चला जाऊंगा कहीं पे काम करने के लिए, तो एवेन्यूज हैव ओपनड अप ऑल्सो ना यार। यस सर, एंड 4 साल इज लाइक टेल मी वन थिंग, इसराइल में भी तो कॉन्स्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वो दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, वहां पे जब भी लड़ाई का माहौल बन जाता है एवरीबडी नोज व्हाट इज टू बी डन, तो पूरी कंट्री का एक सोशल स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हो ना कि डाउनग्रेड कर रहे हो, तो आई डोंट फील व्हाट इज द हार्म इन इट। तो सर इसमें जैसे बच्चे जो कर रहे हैं ना, मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आगे का जो 4 साल का इनका, इनको शादी में स्कॉर्पियो लेनी है, एक बच्चा बोल शादी में स्कॉर्पियो लेनी है फौज में जाने के बाद, और एवरेज इंडियन माइंडसेट, हाँ ये देखो एक मिडिल क्लास माइंडसेट वो तो है कि हम जाएंगे, हम हाले डेविडसन निकाल लेंगे वहां से जाने के बाद, या सर हम थार खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत सारे बच्चों का ऐसे मैसेज है सर हमारी रिश्ते टूट गए, मैंने कहा यार व्हाट बुलशिट यू आर सेइंग, मतलब क्या लॉजिक क्या है। और सर ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं मेरे को उनके लिए बड़ा बुरा लगा है, कहीं ना कहीं किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया,
उनको इतना हिम्मत ही तोड़ दी उनकी। अगर इन बच्चों को वही मैं बोल रहा हूँ कि वेटरन्स विल जो पुराने वेटरन्स हैं वो तो इतना नेगेटिव व्यू दे रहे हैं इसके लिए कि 61 किड्स कमिटेड सुसाइड लास्ट यस्टरडे अलोन। यार कोई मतलब नहीं है, प्लीज डू नॉट कम इन टू द टॉक्स ऑफ द ओल्ड वेटरन्स कि ये स्कीम फेलियर है। यस सर, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यस सर, एक ग्रुप ऑफ ट्रूप वेंट टू वॉर एंड दे वर सराउंडेड 360 डिग्रीज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस बाय द एनिमी। ठीक है, तो वो अपने कमांडर से पूछते, सर अब तो हम चारों ओर से घिर चुके हैं, अब हम क्या करें? तो कमांडर हंसते हुए बोलता, अब तो और भी आसान है, अब तो आंख बंद करके 360 डिग्री गोलियां चलाते रहो, दुश्मन को लगेगी लगेगी। हमें प्रॉब्लम थी अगर दुश्मन एक ही दिशा से आ रहा था। यस, सो बेसिकली आप प्रॉब्लम का समाधान ढूंढो। सो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आई एम नॉट अ पावरफुल पर्सन दैट आई कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट इन चेंजिंग द पॉलिसी, आई कैन नॉट, बट आई एम पावरफुल इनफ टू इनकरेज यू टू स्टिल रिमेन ऑन योर ऑब्जेक्टिव and to meet your objective irrespective of the hardships or the problems you are facing. क्योंकि देखिए फर्क कुछ नहीं है, अगर ये जो भी शोर मचा रहे हैं ना, उन्हें खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है। आप इतना अच्छा करो कि आपके खुद के ऊपर भरोसा होए कि यार मैं उन 25% में से होऊंगा who will get into permanent commission. Yes. After 4 years of my Agniveer tenure. कोई कह रहा है आर्मी टूरिज्म के लिए नहीं है, यार व्हाट टर्मिनोलॉजी आर यू यूजिंग यार, प्लीज बी मैच्योर। क्या टूरिज्म यार, मतलब आई एम टेलिंग यू टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट गो एंड रन 5 kilometers इन 22 minutes, उसके बाद मुझे बताना टूरिज्म क्या होता है। सर एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, सर आप तो ऑफिसर हो, हम जवानों को कौन पूछता है। सर आप एक बात बताना, ये मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूंगा, You was an officer, you recently came out of the force. आप इतने ज्यादा ऑप्स में रहे थे, आप पूरे टाइम बैटल फील्ड में ही रहे हो, आपका टेन्योर जो यूएन वगैरह का था, और हमने काफी चीजें सीखी, मतलब स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, हाउ टू फाइट अ वॉर, हाउ टू विन अ वॉर। तो जब आप बैटल ग्राउंड में हो, वहां जंग लड़ रहे हो, तो क्या ये ऑफिसर जवान का डिफरेंस रह जाता है या केवल एक्सपीरियंस वहां मैटर करेगा या बॉन्ड मैटर करेगा, आप बताओ सर। यार देखिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आईक्यू, बिकॉज ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड, वी आर ट्रेन्ड इन द वर्स्ट ऑफ कंडीशंस देन जवान्स। जवान्स आर कमिंग फ्रॉम द स्मॉल टाउन्स, फ्रॉम विलेजेस, फ्रॉम हार्ड वर्किंग एरियाज, दे आर फिजिकली टफ। ऑफिसर्स आर मेड फिजिकली टफ बट दे आर ऑलरेडी मेंटली टफर। वहां पे जब गोली चलती है ना, ऑफिसर कैनॉट अफोर्ड टू पैनिक इवन इफ ही नोज ही इज गोइंग टू डाई। वो आखिरी दम तक बोलता रहेगा कि कोई बात नहीं। और आप सर रहे हो लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में, ऐसी में मैं तभी आप सबको ये ज्ञान दे रहा हूं दैट प्लीज प्लीज मैं अपने हाथ जोड़ के आप सबको बोल रहा हूं, प्लीज डोंट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप इन विच यू कैन लूज योर लाइफ और यू कमिट सुसाइड। ये स्टूपिड डिसीजंस मत करना। सर एक सवाल आता है, जैसे मैं बच्चों के डाउट्स देख रहा हूँ और ये मेरे को पूछना था आपसे, जैसे मैंने आपसे फोन पे बात करी थी तो आपने भी ये चीज बताई थी कि मैं इनसे वो बताऊंगा कि आगे क्या करना है। सर आगे अग्निपथ जो स्कीम आई है 4 साल वाली, जैसे आपने बोला कि आपके अंदर बूता होना चाहिए कि आप 25% में कमीशन हो जाओगे, परमानेंट हो जाओगे, पर इस पे ये जो एक जनरल एस्पिरेंट है जो भटक गया है, जो ओपिनियन सुन रहा है, न्यूज चैनल देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, SSB वाले चीजों को फॉलो कर रहा है, और जहां पे भी दंगे और आगजनियां हो रही है ना, उनको देख देख के अपने दिमाग में ना कचरा इकट्ठा करता जा रहा है, उनको इस पूरी स्कीम पे कैसे रहना चाहिए, क्या उनका पॉइंट ऑफ वो रहना चाहिए, ओपिनियन रहना चाहिए, और तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि 90 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। सर 90 डेज का टाइम दिया है गवर्नमेंट में कि 90 दिन में सब कुछ होने वाला है, आफ्टर 90 डेज रिक्रूटमेंट रिलीज विल हैपन, टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो होगा, इनको आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, आप उस बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ सर। पहली चीज तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मौका नहीं दीजिए
to blacklist you. So please do not take part in any agitation or in anything which has a mob-like situation or riots. Sir, your voice. हाँ, इसके बाद then number two, please continue in upgrading your physical standard. ठीक है, लोग आधे give up कर रहे हैं, यार खुद के ऊपर confidence ही नहीं है, तो तुम देश को क्या बचाओगे जब खुद को ही नहीं बचा सक रहे हो यार? When you are behaving like a mentally weak person who is not, you know, mentally weak के लिए जगह नहीं है. You will give away the army secrets if you are taken as prisoner of war. आपको पता है officer की training इतनी इतनी tough होती है. We almost go through a prisoner of war like situation in few of our training camps in which we are pushed beyond limits physically and mentally. But we do not break down. Few do, but majority of them don't. They don't give up at all. हम ढीठ हैं, ढीठ. तो प्लीज ढीठ बन जाओ, stubborn बनो. Stubborn is please stick to your determination, please stick to your goal. यार it is similar like exam होना है ना, last moment पे वो कुछ अलग से एक क्वेश्चन ऐड करवा देते हैं. टैकल इट यार, दैट इज द चैलेंज ऑफ लाइफ. आप चैलेंज फेस करने को तैयार ही नहीं हो. एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गॉसिपिंग एंड टॉकिंग? बिकॉज देखिए, गॉसिप और टॉक्स की वजह से अगर पॉलिसी चेंज हो जाती तो मैं तो सबको इनकरेज करता, प्लीज गो गॉसिप, प्लीज गो टॉक, प्लीज गो मेक स्टोरीज, प्लीज गो डू राइटिंग, गलत काम करो, है ना? मैं तो बोलता ही. पर जब इससे आगे कोई सोल्यूशन है ही नहीं, देन व्हाई डोंट यू नॉट वर्क टुवर्ड्स अ कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर? यस सर. तो सर आप मुझे बताओ, नाउ आई ओनली नीड क्वेश्चंस रिगार्डिंग, सर मुझे मेरा शेड्यूल बताओ, मैं कल से क्या शुरू करूं? आई वांट टू नो, सी डैमेज इज डन. I am not saying damage is not done. Damage is done. But अब वो damage के साथ ये खुद को develop करके उसे face करना है यार. आज की तारीख में अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं किसी कोना पकड़ के बैठ जाऊं और रोता रहूं कि पैसे नहीं है यार, मैं क्या करूं, खत्म हूं, बर्बाद हूं. That is no solution. I have to work myself to be capable enough to earn a better salary. Corporate, I am telling you, I will not mention where I am working, but wherever I am working, I am very comfortable. It's a good environment, it is a good team, it is a good organization, it is a good place. And I am praising the organization. Okay? And you have to just, in Rome, do what Romans do. ठीक है, जब आप आर्मी में जा रहे हो तो आर्मी के रूल के मुताबिक चलो ना यार. यस सर. अच्छा सर, एक चीज और आ रही है ये मेरे दिमाग में, मैंने काफी से कल से एक और चीज शिवम. हाँ, ये दिस इज वन ड्रिल दैट वी यूज्ड टू डू इन फौज. मैं अभी भी वो आपको बता देता हूँ, जिसे जो भड़ास निकालनी है ना, अभी जिसे जो गालियां निकालनी है, प्लीज टाइप. चाहे मुझे निकालनी है, मुझे निकालो, गवर्नमेंट को निकालनी है, गवर्नमेंट को निकालो, प्लीज टाइप. अपनी यू नो बिकम लाइट. अपने मन में जो बोझ है ना वो निकाल दो. वो चाहे गाली देके निकाल दो मेरे को, या माहौल को, या सरकार को, ठीक है, पर अपना यू नो यू हैव टू लाइटन अप. अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है. एंड आई वुडंट माइंड ऑल्सो, कोई अभी मुझे गाली देने के मूड में हुआ कि यार मैंने मेरे 600 दिन मेरे वेस्ट हुए 2 साल के, ठीक है. एंड ये बंदा है जिसके पास पहली नौकरी है, बट ट्रस्ट मी, मैं रिटायर होने के बाद आई हैड टू लिटरली स्ट्रगल टू गेट अ जॉब. बट दैट डज नॉट मीन
कि अगर ऑफिसर को जॉब नहीं मिल रही तो जवानों को कौन पूछेगा. नो, एवरीवन हैज कम विद देयर ओन इंडिपेंडेंट डेस्टिनी ऑन अर्थ. आप सब अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं. आप अपनी किस्मत को मेरी किस्मत के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. आई कैनॉट बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ योर डेस्टिनी. इट इज यू हूज टू मेजर योर ओन डेस्टिनी एंड टेक योर सेल्फ अहेड. उसने ये कर दिया तो मेरा क्या होगा. बिग डील यार. तुम भी वैसा करो ना जो वो कर रहा है. मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे भी सब कुछ चाहिए यार. बट एम आई केपेबल इनफ. क्या मेरी इतनी औकात है कि मुझे वो, शुड आई डिजर्व इट. आस्क योरसेल्फ एंड देन वर्क ओवर इट. वर्क ऑन योरसेल्फ. यस सर. सर जैसे कि एक ना ये जो नोटिफिकेशन आया था 4 पेज का अग्निपथ वाला, जो मैंने आपको शेयर भी करा था, उसमें एक चीज थी कि ऑल इंडिया बेसिस पे मेरिट बनेगी. कोई ना कोई टेस्ट जरूर होगा इसमें. तो आपको क्या लगता है, अब देखो आपने इनको बता दिया, इनको समझ में भी आएंगी चीजें कि आपको तैयारी में लग जाना है. तो जैसे आप ऑफिसर थे और आपने बहुत नजदीक से देखा है चीजों को, एक ऑफिसर और एक जवान के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहता. आजकल के जो बच्चे हैं ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं पुराने जमाने के जवानों से. इनको क्या ऐसी स्किल्स अक्वायर करनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, ताकि वो 4 साल के बाद वो 25% वाले लॉट में आ जाएं. और अगर 25% वाले लॉट में भी नहीं आते मान लो, तो जो बाकी के एग्जाम्स हैं CDS हो गया, AFCAT हो गया, इनको क्रैक कर पाए. या फिर अगर मान लो बाहर जाके कॉर्पोरेट में भी जाते हैं, तो ये जो बंदे हैं इनकी इतनी ज्यादा डिमांड रहे ना बाहर मार्केट में कि इनको कोई भी ले ले तुरंत कि हाँ यार वी नीड दिस चैप, हमें ये बंदा चाहिए जो अग्निवीर था. क्या स्किल सेट अक्वायर करना चाहिए. आपको एक आई विल गिव यू अ वेरी वेरी आई ओपनिंग स्टेटमेंट राइट नाउ. जवान्स हैव मोर एवेन्यूज ऑफ जॉइनिंग जॉब्स देन ऑफिसर्स हु रिटायर फ्रॉम आर्मी, बिकॉज हमारी आर लेवल एंड स्टेटस ऑफ आर जॉब इज नॉट अफोर्डेबल बाय मेनी. But as far as Jawan is concerned, he has n number of avenues to actually look for jobs. Right from you have security ka field mein you can get a job, theek hai. In computers if you know you can get a job, theek hai. While in service if you want to prepare for, you know, your further education you can do that, theek hai. Awareness aapki zyada badhegi ki what is the trend. कंप्यूटर, यू नो, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप कर सकते हो, इंजीनियरिंग में कर सकते हो. एंड ऊपर से यू हैव अ फेदर टू द कैप कि भाई ही इज अ ट्रेंड सोल्जर इन द सोसाइटी, ठीक है. सो दैट यू नो वो भरोसा दिलाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को जब आप सिविल में आओगे कि हाँ यार दिस गाय इज अ रिस्पॉन्सिबल गाय. इसके हाथ में हथियार भी दिया था सरकार ने टू सेफगार्ड द नेशन. ही हैज प्रोटेक्टेड द मदरलैंड आल्सो. यार ये बंदा भरोसे लायक है. ओके, वी कैन गिव हिम वन और फ्यू इंपॉर्टेंट टास्क और रोल्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. इफ ही स्पीक्स वेल एंड हैज गुड कॉन्फिडेंस, इसे मार्केटिंग और सेल्स में ले लेते हैं, ठीक है. So it is basically how you want to go about it. आप अपना क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो यार. Whichever village or wherever town you are staying in, 3 लाख रुपए में तो क्लाउड किचन शुरू हो सकता है, ठीक है. रोटी, कपड़ा और वेपन्स, ये 3 इंडस्ट्री हैं which will never fail, क्योंकि इन तीनों की डिमांड रहेगी. एंड फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि दवाइयां तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है. आप समझ रहे हो. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड यार. एंड आई नो ऑफिसर्स पर्सनली हु हैव पुट अप देयर रेजिग्नेशंस ड्यू टू पर्सनल फैमिली इश्यूज और नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स और देयर फैमिली बिजनेसेस. वहां पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है. वो अपने पेंशनेबल ईयर से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले छोड़ के गए हैं फौज मजबूरी में. यू थिंक उन्हें क्या कोई अलग से लाइफ टाइम पेंशन मिलने वाली थी. एंड इट इज नॉट, लोग कहेंगे यार बेवकूफ बंदा जो छोड़ के चला, पर मजबूरियां हैं लोगों की यार.
बी इट हेल्थ, बी इट पेरेंट्स, यू नो होलिस्टिक व्यू आप देखो ना, तो डेस्टिनी सबकी इंडिपेंडेंट अलग अलग है. Everyone has their own personal priorities. And as far as I am concerned, please share my video wherever you can. It yes. is a very strong message to the youth that if you are capable enough, if you are strong enough, and if you have that enough of willpower in you, yes, then you are capable of joining the forces. There is nobody stopping you. आप जाइए, प्रूव कीजिए एंड भर्ती होइए. पर किसी ने बोला है कि भर्तियों भर्ती में हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी लेंगे, इतने नहीं लेंगे. यार ड्यूरेशन की बात हो रही है ना यार, लीव दैट असाइड ना फॉर द टाइम बीइंग. पहले फौज में जाओ तो सही, पहले आप सीढ़ियों का पहला कदम तो पार करो. यस सर. आप तो दसवें कदम तक सोच रहे हो कि रिटायर होंगे, पहले नौकरी में तो आओ. यस सर. And the government has said, I am again repeating, the government has said, if needs be, there will be modification and changes in the current policy. तो आप ये क्यों लेके चल रहे हो कि जो अभी बोल दिया पत्थर की लकीर है? हाँ, changes हो सकते हैं ना इसमें भी. नहीं नहीं, changes होंगे, there will be changes. यार इसमें क्या बुरा है अगर आपके 25% अगर अच्छे हैं और आपके पास ऑप्शन मिल रही है कि बाकी के 30% और भी अच्छे हैं, देन एज अ डिफेंस मिनिस्टर आई एम श्योर दैट राजनाथ सिंह जी विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर. अजीत डोवल जी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विल लुक इनटू द स्टेटिस्टिक्स, विल गिव अ प्रॉपर ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग दिस. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री विल बी लुकिंग इनटू इट. ठीक है, इट इज नॉट अ डिसीजन विच इज बीन मेड ओवरनाइट कि किसी का मूड आ गया तो बोल दिया चलो ऐसे करेंगे. नो, पीपल हैव गॉन इनटू डेप्थ, पीपल हैव गॉन इनटू डिटेल एंड डन दिस. मैं आपको अब अंदर एक अंदरूनी बात बताता हूं. द थिंग इज आर सोल्जर्स वर एजिंग, हमारे पास ओल्ड सोल्जर्स ज्यादा थे फाइटिंग वाले देन द यंग सोल्जर्स. एंड ये हुआ कोविड के दौरान, इनटेक कम हो गया एंड एज बढ़ती रही और जिन्हें पेंशन जाना था वो तो अपने टाइमली जा ही रहे थे. एज अ रिजल्ट सोल्जर्स भी कम हुए हैं काफी. सो व्हाई डोंट वी नॉट गेट अ गुड फाइटिंग फोर्स विच इज यंग. एंड there is a proposal that any soldier who gets martyred in these 4 years of service while yes. on military duty and attributable to military service will be given exactly the same benefit as a regular soldier. Yes sir. तो problem कहाँ आ रही है? बस problem एक ही चीज है, वो जो आराम का relaxation जो माहौल था ना जॉब सिक्योरिटी वाला, वो ले लिया गया है. ओनली दैट एस्पेक्ट हैज बीन टेकन अवे एंड ट्रस्ट मी बाय दिस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ मनी. द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पंप इन लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आर्टिलरी इक्विपमेंट, ठीक है, लेटेस्ट ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम एंड जैमिंग सिस्टम्स. ठीक है, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आर कमिंग इन, फिफ्थ जनरेशन मिसाइल्स आर कमिंग इन. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक लॉन्चर्स हैव बीन लॉन्च्ड, आ चुके हैं वो. सो यू नो देयर इज अ वेरी बिग इन्वेंटरी व्हिच इज टू बी प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी सो एज टू यू नो मेक अस एट पार विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर. एंड 90% इज गोइंग टू बी कॉन्टैक्टलेस वॉरफेयर. ठीक है, आप दुश्मन को देख नहीं पाओगे और आपके ऊपर बॉम्बिंग हो रही होगी. तो इस माहौल में दीज वर द ब्रिटिश एरा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स. अब क्या है ना, एजुकेशनल वाइज अपग्रेडेड, आईक्यू लेवल अपग्रेडेड. यस. ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स विल अगेन बी मोर अपग्रेडेड. हाउ? सेल्फ मोटिवेशन.
अब वो जमाना नहीं रहा कि डंडा लेके कोई चलता रहेगा और तुम्हें मारता रहेगा कि करो करो करो. नो, हियर आर्मी वॉन्ट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो ऑटो मोड में अपने आप को प्रूफ करे और बोले भाई अगर अगर तुम डिसिप्लिन स्टार्ट्स व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्स लुकिंग एट यू. यस सर. ठीक है, तो अनुशासन तब आता है जब दुनिया आपको नहीं देखती है और तब आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके आप अपने तौर तरीके और सिखाए हुए तरीके से चलते हो सोसाइटी में. सर, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट. एंड प्लीज पीपल डोंट लिसन टू पीपल हु आर नेगेटिव. आई डोंट वांट टू नेम ऑफिसर्स हु हैव डन इट. It is a wrong example. It is highly wrong on their part to do this. ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है. And one more thing, their businesses are at stake because they are fearing कि भाई अब इसकी वजह से intake of troops कम हो जाएगा, हमारे institute नहीं चल पाएंगे, हम दो पैसे extra कैसे कमाएंगे. I am not money minded. I am patriotic minded. ठीक है, I am more like, you know, Shifu ji, you know, he prioritizes the country first. Yes, sir. ठीक है, and self at the last. ठीक है, तो me, my country, my men, and in the last comes myself. Selfless. So you have to get that attitude in you. Yes. Selfless sacrifice. Yes, sir. Sir, एक सवाल आ रहा है. एक सवाल ये आ रहा है कि चार साल की सर्विस है, चार साल में ऐसा आर्मी इनको क्या सिखा देगी कि मान लो ये बाहर भी आ जाते हैं तो बाहर आके वो चार साल में क्या क्या कोर्सेज स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं ताकि सिविल वर्ल्ड में जब ये सिविल जॉब्स में जाए तो इनको अच्छा खासा पैकेज मिल जाए. क्योंकि सर मेन मुद्दा है जॉब सिक्योरिटी का. जब ये बच्चे 18 साल में जाएंगे, 19, 20, 21, 22 में बाहर आ जाएंगे, तब इनकी शादी और रिश्तों की बात चल रही होगी, परिवार की जिम्मेदारियां पीक पे होंगी. तो ऐसे क्या स्किल्स आर्मी के अंदर ही सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है सर, है ना सर? क्योंकि इनको एक क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि सबको घुमा घुमा के बात कर रहा है, मेन मुद्दा कोई बता नहीं रहा कि यार चार साल में आप ये क्लैरिटी मैं देता हूँ. ये सर प्लीज, चार साल में यू विल नो हाउ टू डू प्लानिंग. ठीक है, चार साल में यू विल नो हाउ टू डू द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ योर टीम. ठीक है, चार साल में यू विल नो हाउ टू डू द स्टाफिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. यू देन चौथा चार साल में यू विल नो हाउ टू डू गुड कोऑर्डिनेशन विद अदर्स. ठीक है, एंड देन फिफ्थ रिक्रूटिंग. यू विल बी यू नो टफ इनफ टू नो कि व्हाट क्वालिटी इज नीडेड यार फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ माई टीम. तो रिक्रूटिंग में आपको पता चलेगा. ठीक है, तो ओवरऑल द बिजनेस एनवायरमेंट इन विच व्हाट एवर बिजनेस यू वांट टू डू, चाहे आप क्लाउड किचन शुरू करो, चाहे आप एक गारमेंट्स की शॉप शुरू करो, ठीक है, चाहे आप किसी टेक्सटाइल कंपनी के साथ आप अपना छोटा सा शोरूम अपने गांव में खोलो, यू नो ओवरऑल अपग्रेडेशन होगा, जागरूकता बढ़ेगी. आज की तारीख में कोई भी शहर का बंदा गांव में आके कुछ उटपटांग आइटम दिखा के अच्छी अंग्रेजी बोल के आइटम बेच के निकल जाता है भाई, उसका टारगेट अचीव हो गया. ऐसे नहीं होता ना, अब कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा लोगों को. पीपल विल बिकम मोर स्मार्ट, पीपल विल बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट. ठीक है, पीपल विल बी मोर कर्टियस, वोकेशनली अपराइट कि भाई लेडीज की प्रोटेक्शन, हाउ टू रिस्पेक्ट अ फीमेल, टीचिंग योर चाइल्ड दैट यू आर दैट इवन इफ यू आर अ बॉय, यू नो द गर्ल्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू यू, फर्क नहीं करना. ठीक है, ट्राई टू टीच योर चिल्ड्रन नॉट टू बी ब्लाइंडली इन टू द मतलब रिलीजन बेसिस पे डिविजन कम होएगा. यू विल बी अ बेटर सेक्युलर सोसाइटी जो घुल मिल के रहेंगे, क्योंकि जो चार साल का रगड़ा आप इकट्ठे निकालोगे ना उसमें नो बैचमेट्स की वो बॉन्डिंग अच्छी रहेगी. ठीक है, जितना आप खून पसीना ट्रेनिंग में इकट्ठे मतलब भावगे, इन अ लॉन्गर रन इन द सोसाइटी यू विल रिमेन कनेक्टेड विद ईच अदर, यू विल ट्रस्ट ईच अदर.
you all will start businesses with partnerships with each other. Yes, sir. चाहे तुम यार आलू टिक्की का ठेला क्यों नहीं मतलब कर देते, या फिर तुम खुद 11 लाख रुपए लेके आ रहे हो, ठीक है, दो टैक्सियां डाल लो या चार टैक्सियां सेकेंड हैंड, चार गाड़ियां सेकेंड हैंड खरीद लो, टैक्सियां डाल लो, बंदों को बोलो भाई चलाओ, मुझे रेंटल इतना चाहिए ये चार गाड़ियों का जो 11 लाख में खरीदी. Yes, sir. So, you know, it's going to be a very innovative kind of a mindset for the people who are going to come after doing the tenure of 4 years. And मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार, why do you even think कि 4 साल के बाद आप बाहर आ रहे हो? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दावे से बोला है कि CAPF से CAPF से you know के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे ट्रूप्स. सर हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है सर, यूपी गवर्नमेंट और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी पुलिस फोर्सेस में इनको प्रायोरिटी दी है कि इनको पहले नंबर पे रखा जाए. बिकॉज करंटली द सिचुएशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इज दैट दे लैक वोकेशनल ट्रेनिंग, यू नो, एट टाइम्स दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद लेडीज, दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद पीपल, they are rude, they are frustrated, you know, for them, you know, corruption bhi hui hui hai. And main ye nahi keh raha ki individual aisa hai, uske surrounding atmosphere aisa hai police wale ke ki they feel they are not being thanked or appreciated. So overall society ka upgradation ho raha hai psychologically, mentally, physically. फिट बंदे होएंगे यार. यस सर. ठीक है, देन प्रोफेशनल यार मैचेस शुरू हो जाएंगे, इवन इन विलेजेस देयर विल बी प्रॉपर प्रोफेशनल वॉलीबॉल मैचेस खेलोगे, क्रिकेट मैचेस होएंगे, हॉकी मैचेस होएंगे. ठीक है, पीपल जिनके पास जमीन है पर उपजाऊ नहीं है वो वहां पे क्रिकेट ग्राउंड बना देंगे यार, या वीकेंड्स पे आइए वहां पे कमेंट्री और फ्लड लाइट्स लगी, आप अपना मैच खेलिए, मैच फीस इतनी है. So there are different innovative ways and means of, you know, starting their businesses and earning money. But you can't be with the notion ki hai main khatam ho gaya, hai main mar gaya, yaar this is the end of the road, I'm finished, it is over, ab to pankha hi dikh raha hai mere ko, bas bhai koi achhi se rassi dhoond ke de de. Yaar no, please, it is being selfish, it is being a cowardly act, please don't do it. It is easy. हाँ, it is easy to do that यार, then to actually face the challenges of life. Yes sir. Sir ऐसे करके तो मतलब फांसी लगा लेना या सुसाइड कर लेना एक तो मेंटली कमजोरी को दर्शाता है कि आप अगर फौज में भी जाओगे, आप वहां पे भी आपके सामने कोई टफ सिचुएशन आई तो आप वहां पे खुद को भी गोली मार सकते हो, आप तो सुसाइडल हो, आपको कैसे ले लेगी आर्मी. यार दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट यू आर इवैल्यूएटेड साइकोलॉजिकली बिफोर जॉइनिंग द फोर्सेस. Yes. वहां पे उन्हें हल्की सी भी भनक लगी ना, दिस गाय इज मेंटली वीक, उधर ही रिजेक्शन. सो इफ एनीबॉडी इज थिंकिंग दैट ये जो 60-61 पीपल हैव एक्चुअली कमिटेड सुसाइड, आई सी माय फीलिंग्स गो आउट टू द फैमिलीज. ठीक है, माय सिंसियरेस्ट ऑफ कंडोलेंसेस, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए था. ठीक है, और आपस में फ्रेंड सर्कल में ये एक दूसरे के साथ ना बच्चों को बातें शेयर करनी चाहिए. ठीक है, आप जितनी भी फ्रस्ट्रेशन लाओगे, चलो मैं जो अभी बातें कर रहा हूँ, किसी ने चार गालियां और लिख देनी है, मेजर टूर इज टॉकिंग क्रैप, ही टॉकिंग नॉनसेंस, बट इफ ही हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड ही नोज दैट ही इज केपेबल इनफ ऑफ हिज फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड हिज एजुकेशन, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ, खुद पे भरोसा है, तो वो अनाप शनाप बोलने की वजह ही विल पुट मोर फोकस इन यूटिलाइजिंग दैट टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू जॉइन द आर्मी. यार इट इज नॉट द टाइम टू गो अगेंस्ट द लैंड बट टू गो विद द लैंड, मदर लैंड, दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स. अगर अभी नहीं हाथ पकड़ा ना धरती माता का तो कभी नहीं पकड़ पाओगे, यही मौका है. This is the time to show resilience, perseverance, yes, sir. steadfastness, focus. ठीक है, आप दूसरों की बातों में आके उत्सुक हो जाते हो, negatively motivate हो जाते हो,
किसी ने चार बातें गलत बोल दी, आपका मोराल खत्म हो जाता है. यू हैव टू फेस इट. ये ऐसी प्रॉब्लम, इट इज अ पॉलिसी विच इज नॉट इन फेवर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द यूथ, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. बट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे रास्ते बंद हो रहे हैं तो कहीं पे रास्ते खुल भी तो रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन सोल्जर्स लिटरली बेगिंग ऑफिसर्स आफ्टर 15 इयर्स ऑफ सर्विस की, साहब मुझे प्लीज पेंशन जाने दो, मैं मन मार के नौकरी कर रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे जूनियर मेरे सीनियर बन चुके हैं, आई हैव फेल्ड इन दीज कोर्सेज, आई हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे छोड़ के जाने दो फौज. आई हैव सीन सच ट्रूप्स ऑल्सो. सो वॉट एवर हैपन्स happens for the good, it is a blessing in disguise. आप चार साल करो, और चार साल के दौरान मैं कहता हूं पहले दो साल आप परखो, देखो. If you feel you are cut out for the forge, मैं कहता हूं then your third and fourth year full put in मार दो. कोई ऐसा बंदा नहीं होगा who is capable and will be left out. Yes sir, ये तो है sir. And there will be flexibility in policy कि इट इज नॉट जस्ट 25%, हम कुछ और एक्स्ट्रा डिजर्विंग ट्रूप्स को रिटेन कर लेंगे. हु डजंट वांट अ एलीट आर्मी, यार यंग आर्मी, लीनर एंड मीनर, ठीक है ना. सो प्लीज डोंट हैव अ वन ट्रैक माइंड. आप अपनी सोच को फिक्स मत कीजिए कि ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव ही रहेगा. नो, फिक्स योर सेल्फ ऑन द पॉजिटिव्स. तो yes, आप अपने रूटीन में आइए. स्टॉप गोइंग इन ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स हु आर नेगेटिव. जो नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए, एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड दैट यू मेंटेन योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि देखिए, भर्ती की इंटेक के लिए किसी ने मना नहीं किया है, भर्ती तो दबा के होगी. तो कम से कम अपने पहले चार साल तो सिक्योर करो. मेन मुद्दा सर वही है ना कि ये लोग चार साल जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये लोग फालतू की कहानियों में लगे हुए हैं. अगर आप चार साल सर्व करने के भी लायक नहीं, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा. और सर मैं यहाँ पे एक पब्लिक फोरम पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ, जैसा मेरा डिस्कशन भी हो रहा था, आपने भी बोला था कि खुद तो कुछ ऐसा कर ले. ये जो बच्चे हैं जितने भी आर्मी जवान की भर्ती कर रहे हैं, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री स्पोकन का, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का, या जो भी रहेगा ना कंटेंट, इसमें एग्जाम अगर होगा तो मैं पूरा अवेलेबल करा के दूंगा. आप तैयारी करो, आप जाओ बिंदास. मैं शिवम वही बोल रहा हूँ. दैट नाउ यू आर अवेयर, माय वाइफ इज अ प्रोमिनेंट एंड अ नोन इंग्लिश टीचर इन इंग्लिश, एंड शी टीचेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल्सो, ठीक है. हॉल्स ऑफ आईवी में मैंने अपनी स्टोरीज में कितनी बार टैग किया है, ठीक है. एनीबडी वॉन्टिंग हेल्प इन, मैं तो बल्कि ट्रूप्स को ये कहता हूँ जो जवान की एंट्री के लिए जा रहे हैं कि आप इंग्लिश ही सीख लो, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ अ पीएसओ टू अ सेलिब्रिटी और टू अ कॉर्पोरेट हेड, ठीक है, और टू अ कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है. आप इंग्लिश ही सीख लो तो आप टाइपिंग सीख लो, ठीक है. यू विल गेट अ वेरी गुड डिसेंट क्लरिकल जॉब इन अ गवर्नमेंट सेक्टर इन सम अदर फील्ड, ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब वो है कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. बट अब इंग्लिश का मुद्दा इम्पोर्टेंट हो जाए, बिकॉज अगर चार साल के भीतर अगर जवानों ने इंग्लिश अच्छी सीख ली, दे हैव अ वेरी गुड स्कोप ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड वर्किंग, चाहे ऑस्ट्रेलिया होए, है ना, या फिर जर्मनी होए, या फिर यूरोप में होए, एनी वेयर वेयर दे विश टू गो, न्यूजीलैंड और एनी अदर फॉरेन कंट्री, एटलीस्ट उन्हें कम से कम बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. एटलीस्ट आप फॉरेन रिजर्व तो लाओगे. अब लोग कहेंगे मेजर तूर बात करें ब्रेन ड्रेन की. अच्छा चलो, अगर फॉरेन नहीं जाना है तो एटलीस्ट इंडिया में रहते हुए यू कैन स्टार्ट योर ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेसेस. बट यू कैन नॉट से दैट दिस इज नॉट अ फीजिबल और अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी. इट इज अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी यार. आजकल तो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं किसी को, ये कम से कम अपॉर्चुनिटी तो है. अवेल करो एंड अप्लाई फॉर इट. यस सर. तो मैं सर एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, तो जो भी बच्चे हैं वो ऐसा ना करें. सर को मैं लाइव इसलिए लाया कि सर और मैं हम आपके साथी हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, पॉलिसी लुक ओवर की जाएगी वापस से.
आप लोग पेटिशंस के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं अगर आप हैप्पी नहीं है तो. पर दंगा करना, ये सब करना, दिस इज नॉट गुड. एक्चुअली फिर गवर्नमेंट अगेंस्ट हो जाएगी, तो गवर्नमेंट हिस्सा जाएगी ना अगर, तो फिर कुछ भी नहीं होगा. अब यहाँ पे आप स्कोप ओपन रखने दो. आर्मी, आर्मी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. इफ यू आर इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन एंटी नेशनल एंड एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज लाइक रायटिंग एंड कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड क्रिएटिंग न्यूसेंस टू द पब्लिक, देन तो यार आई डोंट थिंक कि आप और किसी गुंडे में कोई फर्क रहेगा. ठीक है, गुंडागर्दी करनी है ना, फौज में आके करो, प्रूव योरसेल्फ. ठीक है, मुझे मेरे घातक, मेरे जितने भी घातक के बंदे होते मैं उन्हें गुंडे ही बुलाता था. मैं कहा और गुंडो कैसे हो, बिकॉज दे वर डेयरिंग. मुझे वैसे अच्छे गुंडे लगते हैं. ठीक है, तो अगर गुंडा बनना है ना, फौज में आके दिखाओ, तो मानूंगा कि तुम गुंडे हो. यू हैव गट्स, यू हैव अ विल पावर एंड यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव इन लाइफ. बट ऐसे नो, एथिकली एंड इन ऑल वेज एंड मीन्स इनकरेक्ट. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेशन लाइक दिस. प्लीज, मैं आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूं. आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इट इज योर नेशन, इट इज योर प्रॉपर्टी, दे आर योर पीपल. द पुलिस आर अमंगस्ट अस, दे आर पार्ट ऑफ आर सोसाइटी. प्लीज डोंट क्रिएट अ बैड एग्जाम्पल. मेरी रिक्वेस्ट है, जितना गुस्सा है गुस्से को मेहनत में कन्वर्ट कीजिए और आर्मी में ज्वाइन कीजिए. रैलीज अगस्त में शुरू हो रही हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, ज्वाइन द आर्मी. चार साल के बाद की बात बाद में देखेंगे, पहले ये चार साल तो निकालो, पहले आओ तो सही, गुंडे तो बनो कम से कम. हम अपने दुश्मनों को तो पता चले कौन कौन गुंडे आ रहे हैं उनकी रेड मारने के लिए. ठीक है, यस सर, एग्जैक्टली सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. और यहाँ पे मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूँ कि इस पे जो भी अपडेट्स आएंगी, समर सर और मैं आप लोगों के बीच में आते रहेंगे. जो भी अपडेट्स आएंगी एग्जाम से रिलेटेड, अगर एग्जाम है, रैली बढ़ती है या जो भी हो रहा है, हम उस पे आपको पूरा का पूरा रिसोर्सेज अवेलेबल करा के देंगे. डिफेंस एग्जाम मास्टर के प्रोफाइल बायो में लिंक है. कोई बच्चा डिमोटिवेटेड हो रहा है, हताश है ना, एक बार उस लिंक पे जाना, वहाँ पे ऐप का लिंक होगा, डाउनलोड करना, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरे से बात कर लेना. एंड वन मोर थिंग, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल देम दैट माय वाइफ इज आल्सो गोइंग टू टेक वीडियो क्लासेस फॉर इंग्लिश. यस, वेरी सून. आई एम टेलिंग ऑल द व्यूअर्स थ्रू शिवम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ इंग्लिश लेसन क्लासेस, बेसिक स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, तो बेसिकली जस्ट ब्रश योर सेल्फ अप इन दिस. इंग्लिश में अगर अपर हैंड आ गया और ये चार साल की सर्विस आप कर गए, ट्रस्ट मी, आपको आगे रोकने वाला कोई नहीं है. आप और किसी और कोर्स एमबीए कर सकते हो या फिर कोई और अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हो, सब में इंग्लिश इन्वॉल्व होती है. यू विल बी टेकन एंड प्लेस्ड एट अ वेरी गुड प्लेस इन कॉर्पोरेट. सो प्लीज फोकस ऑन इंग्लिश एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर पॉजिटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए. एंड प्लीज शेयर योर माइंड विद योर फ्रेंड्स. अकेले मत बैठिए, निराश मत होइए, मायूस मत होइए. अगर मायूसी से हल निकलता तो मैं खुद कहता कि मैं भी मायूस होके बैठता. आई ऑल्सो वुड हैव डन इट. पर वो हल नहीं है, वो रास्ता आगे नहीं आपको कहीं पे निकलवा रहा है. So you have to be positive and मैं अब frequently live sessions करूंगा, आप सबको motivate करूंगा. ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी जिंदगी शुरू हुई है. एक नया दौर है, नया तरीका है selection का, that is it. And it is going to make our army, you know, have a more impact in our punch. ठीक है, घूसे में velocity और ज्यादा आएगी. शिवम, यू कैन अपडेट द स्टूडेंट्स हूएवर आर इंटरेस्टेड इन दैट.
ठीक है? Yes, sir, sure, sir. Though I have no involvement in that. That is entirely my wife's venture. So she is going to start with the teaching, the video classes for English, reading, writing. ठीक है? Exactly. Okay, Shivam, Jai Hind, and please stay positive. The best is yet to come. Don't give up on life like this. It's a beautiful life ahead. Trust me. You only need to give it shape. Clay ko shape deni hai. Overall, art piece achha nikal ke aayega. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you so much, sir, for your kind words, sir. Thank you, Jai Hind. तो बच्चों आज हमारे साथ थे मेजर समर तूर सर, द मैन हु क्रिएटेड अ पोस्ट इन साउथ सूडान नेम्ड एज तूर पोस्ट. तो ये सर के वर्ड्स थे और मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी भर पाऊं तुम्हारी लाइफ में. इस सेशन को शेयर कर देना, यूट्यूब लिंक अभी एक घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा प्रोफाइल बायो में और स्टोरी पे लग जाएगा मेरे पे. सर को फॉलो कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो और हिम्मत नहीं हारना है भाइयों. ठीक है, जो भी बच्चे हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो आर्म फोर्सेस के एस्पिरेंट हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो. उनको कोई भी ऐसा नेगेटिव स्टेप मत लेने दो कि उनकी जान पे खतरा हो जाए. ठीक है, इसके रिलेटेड मैं सेशंस करता रहूंगा. देयर इज अ सीरीज ऑफ ऑल ऑफिसर्स जो मेरे साथ लाइव आते हैं, टॉक विद द लीजेंड्स, यूट्यूब पे प्रोफाइल बायो में लिंक मिल जाएगा. और बाकी सारे एग्जाम एंट्रीज के लिए मैं सेशंस करूंगा. इंग्लिश स्पोकन का फ्री कोर्स मैं लेके आ रहा हूं मैम के साथ. और फॉलो कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टरी को. मैं चाहता हूं कि सबका सिलेक्शन हो. आप उस 25% के लॉट में आए दोस्तों. ये देश हमारा ही है, हम ही को इसकी रक्षा करनी है और हमें प्रूव करना है कि वी आर विद द गवर्नमेंट. और इसमें अमेंडमेंट्स अगर होंगे तो वो आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति से ही होंगे. ठीक है, गो बाय लॉ एंड ऑर्डर, डू नॉट क्रिएट न्यूसेंस, डू नॉट लूज होप. जो बच्चों की हिम्मत टूट गई है, जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है, उनके साथ बैठो. प्लीज स्टे पॉजिटिव, बी हाइपर ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, जय हिंद, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून. और मिलते रहेंगे ऐसे आप लोगों के साथ. ध्यान रखो सब लोग और अपने दोस्तों को भी पॉजिटिविटी के साथ रखो. टेक केयर ऑल ऑफ यू.